खरगोन जिले में 3 कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रीय किसान संयुक्त संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कानून वापस लेने की मांग की। हम आपको बता दें कि विगत 7 माह से किसान कानून के विरोध में जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों ने फिर मोर्चा खोला और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रदेश स्तरीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने बताया कि समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ काला कानून वापस लिया जाए, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। श्रावण मंडी में हमने धरना देने थे किसानों ने, तो उनको बोला था कि भाई हमारे जो पैसे हैं किसान भाइयों के, वो पैसे अब दे दो। उन्होंने ना दिए, थोड़े पैसे दिए, बाकी के पूरे पैसे नहीं लागू किए। और जो पिछले वर्गों में है, जो भी समस्या है, जैसे सोसाइटी की है, मतलब पंचायतों की है, किसान भाइयों की जो भी खाद्यान्न पर्ची है, उनको मिलना चाहिए। किसी को नहीं देते और किसी को दे देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम आपका? अनिता दोगा। 3 काला कानून और समर्थन मूल्य के गारंटी कानून और भी किसानों की खेती मजदूरी की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय ज्ञापन दिया गया। जिला स्तरीय ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 3 काला कानून शीघ्र, सरकार ने जो गलत तरीके से 3 काला कानून बनाए हैं, इनको रद्द किया जाए और सरकार ने समर्थन मूल्य की गारंटी कानून लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि समर्थन मूल्य का गारंटी कानून अगर लागू होगा तो किसान उसमें खुशहाल होंगे। सरकार इस तरीके से, मोदी जी की सरकार बहानेबाजी कर रही है। 7 महीने से दिल्ली में हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ किसी प्रकार से कोई कोरोना में मरा नहीं है, ना बीमारी है, फिर भी मोदी जी ने उनको परेशान किया, कानून के जरिए दबाया। और हमारे सनाव क्षेत्र में किसानों को पेमेंट नहीं हो रहा है, और हमारे रजूर और टेमला में नकली खाद बिक गया, ये प्रशासन ध्यान कहाँ दे रहा है? मुझे इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई किसान की बात उठाता है तो उसे या राजनीतिक दल वो पार्टी का है वो पार्टी का होकर बता देते हैं। हमारी ये मांग है कि प्रशासन हमारी मांग को आप सुने। हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं, अगर 3 काला कानून, समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई और किसानों का कर्जा नहीं माफ किया गया, तो किसान अब उग्र रूप से संयुक्त किसान आंदोलन, न जात न पात, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा अब उग्र रूप से इस खरगोन जिले में आंदोलन करेगा। क्या नाम है आपका? धीरज मिश्रा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।